सर आज आप जहां हरी जिमा के ओच गांव में आए हैं और जहां पर जो अवैध कब्जे थे उनके बारे में आपने लोगों को क्या आश्वासन दिया है? हमने मौका देखा है, मौके पर कंपार्टमेंट नंबर 92 में बाकी इलीगल कब्जे पाए गए हैं और हमने इनकी लिस्ट बना ली है। एक हफ्ते के अंदर हम इनकी और सर आप जहाँ के लोकल निवासी हैं रहने वाले, आपका क्या कहना कि जहाँ पर ये अवैध कब्जे हैं जो सरकार जगह पर और जंगलात पर, उसके बारे में आपका क्या कहना और कितनी देर से जहाँ पर कब्जा है? सर कम से कम भी जहाँ हमारे पुराने जो 400 साल पुराने मंदिर थे या मस्जिद अपने कब्रिस्तान जो थे उस पर भी नाजायज कब्जे किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कम से कम भी जिन लोगों ने भी सोच रखनी चाहिए थी कि हम अपने मंदिर और मस्जिद कब्रिस्तान को तो आज़ाद रहना देना चाहिए था इन्होंने। और नाजायज कब्जा है सर कंपार्टमेंट नंबर 92 में 93 तक जो 4000 कनाल जमीन नाजायज कब्जा। क्या सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें किसका हाथ होगा जो सरकारी कब्जे होते हैं? सर सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तो खाली निशानदेही करने का काम होता है इनका। जब कोई जंगलात में किसी किस्म का ऐसी वैसी वो घर नाजायज कब्जे होते हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जंगलात के जो लोग हैं जंगलात वाले इन्होंने देखना चाहिए जब कोई जंगलात में मकान या कोई किसी पे नाजायज कब्जा होता है उस पर इन्होंने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए और उनको पीछे करना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, जैसे तहसीलदार साहब ने कहा बोला है, मैंने कहा है कि जहाँ मैंने कार्ड देखे जो भी लोग बेदखली का किया है उन्होंने, जो बेदखली करेंगे जो लोग जंगलात में ऐसे बैठ दे आके बिना किसी गदवरी के या किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने भी थोड़ा सा इन पर नज़र रखनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग अगर जंगल में आके जमीने बना के बैठते हैं तो इनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। हम इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी आदमी जंगलात एरिया में ऐसे ना बैठे, गलत कोई बैठेगा उसको हम जंगल से बाहर निकाल देंगे। थैंक यू सर। आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने इन लोगों को मना किया और आज क्या रहा? मतलब आज तो तहसीलदार साहब की सदारत में यहाँ पार्टी आई थी जी, तो रेवेन्यू वाले और पुलिस वाले भी जंगलात वाले हम साथ थे, तो निशानदेही के मुताबिक चलो कुछ जो भी बताया ये रकबा जो जंगलात में आ रहा है तो जैसे हुक्म हुआ ऊपर से हमें तो हम इसको खाली करा दें। तो इतने इतने कहते अजी सर आप जहाँ पर रहते हैं आपकी भी जगह है जो जहाँ पर आपने अवैध कब्जा किया? बिल्कुल जनाब, हमारी पुंजा कनाली जगह जहाँ जी ऐसे सरकारी हवाई का जैसे भी होती है ऐसी है, हम छोड़ने में बिल्कुल तैयार हैं, जगह जाल चाहिए।